वेलकम टू माई चैनल बॉलीवुड ऑल। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, आदिल खान और राखी सावंत का जो आजकल मैटर चल रहा है, उसमें ये कि रात को पता चला कि राखी सावंत का जो है अकाउंट हैक हो गया इंस्टाग्राम का, जिसमें 10 मिलियन फॉलोवर्स है। लेकिन उन्होंने राजश्री और आदिल पे इल्ज़ाम लगाया है। आज राजश्री से मीडिया वालों ने पूछा कि क्या ये बात सच है, आपने राखी सावंत का अकाउंट डिलीट किया है या हैक किया है इंस्टाग्राम का, क्योंकि वो आप पे इल्ज़ाम लगा रही है, पासवर्ड वगैरह आपके पास है, जब मेरा मोबाइल ख़राब हुआ था तो पासवर्ड इनको दिए थे, तो क्या मतलब ये बात सच है। तो राजश्री ने जवाब देते हुए कहा मीडिया को कि नहीं, ये बात सच नहीं है, क्योंकि उन्होंने अकाउंट जो है खुद ही डिलीट किया अपना इंस्टाग्राम का, इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगा रही है ताकि लोगों की हमदर्दियाँ समेटे। बहुत बहुत स्वागत है राजश्री आपका। कल राखी सावंत का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया है और उनके जो 10 मिलियन फॉलोअर्स वाले अकाउंट थे उसका उन्हें सदमा लगा है, लेकिन उसका जो इल्ज़ाम है वो उन्होंने आपके ऊपर, आदिल के ऊपर और शर्लिन के ऊपर दिया है, क्या कहना चाहेंगे? कल इवनिंग में मैं सोच रही थी कि अभी तक एक भी नया एलिगेशन और कैसे नहीं लगा, तो रात को पता चल गया अचानक, कुछ करीबन 10:30-11 बज रहे थे मे बी, तो अचानक पता चलता है कि राजश्री, आदिल और शर्लिन ने राखी सावंत का अकाउंट उड़ा दिया, इंस्टाग्राम अकाउंट। मैंने कहा लो, मुझे तो लगता है कि मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ राखी सावंत, जैसे मैं मैनिफेस्ट करती हूँ कि राखी सावंत ने अभी तक मुझ पर एलिगेशन नहीं डाले, उतने में मेरे ऊपर एलिगेशन डल जाते हैं। तो यही मैनिफेस्ट अगर मैं कुछ किसी अच्छे तरीके से करूँ अपने लिए, तो शायद मुझे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आप इतना गलत मैनिफेस्ट क्यों करती हैं कि आपके साथ ऐसा होता है? मैं डरी हुई हूँ ना राखी सावंत से, जब राखी सावंत मुझे धमकियाँ दे रही है, राखी सावंत मुझ पर एवरीडे नए नए एलिगेशंस डाल रही है, तो मुझे वो डर लग चुका है, मैं डरी पड़ी हूँ। मुझे लगता है कि मैं भूल गई हूँ कि मैनिफेस्ट अच्छे करने चाहिए, तो मुझे सिर्फ डरावने मैनिफेस्ट ही होते हैं और वो सच हो रहे हैं। तो जैसे कि आपने खुद ने भी देखा, जैसे मैं बता रही हूँ कि सीधा एक और आरोप आता है मुझ पर कि मैंने राखी सावंत का अकाउंट हैक किया है या उड़ा दिया है, डिलीट करवा दिया है। तो देखिए, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा गुनाह है किसी के साथ ऐसे करना। तो राखी सावंत, मैं आपको फिर से कहूँगी कि आप इसकी जाँच करवाइए और आप देखिए ये किसने किया है, अगर राजश्री मोरे ने किया है तो उसको सज़ा दिलवाइए। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि ये चीज़ तो कल हुई है, लेकिन इसके एक दिन पहले राखी सावंत ने ये स्टेटमेंट दिया था कि मेरे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, चाहे वो इंस्टा हो, फेसबुक हो या व्हाट्सएप हो, जितने भी चीज़ें हैं, सबके पासवर्ड राजश्री मोरे के पास में है और मुझे डर लगता है कि राजश्री मेरे अकाउंट को कुछ भी कर देंगी। तो क्या लगता है ये पहले से ही प्री प्लान था राखी की तरफ से, वो ऐसा कुछ करने वाली थी या करवाने वाली थी और इसीलिए उन्होंने एक दिन पहले ये स्टेटमेंट? जाहिर सी बात है, देखिए मेरे पास राखी का कुछ नहीं है, जैसे कि मैंने कल बोला, सिवाय एक ब्राउन कोट पैंट के। राखी का कोई पासवर्ड नहीं है, मुझे अपने पासवर्ड नहीं है मेरे पास, मेरी मेल आईडी, मेरा इंस्टा, फेसबुक, सब कुछ मेरा भांजा चलाता है, मयूर पाटिल। देखिए मैं ना डिजिटल में इतनी हूँ नहीं, अब आज का डिजिटल और मैं थोड़े से आगे पीछे है, तो मेरे भांजे को सब कुछ आता है, आज के बच्चे बहुत तेज़ है, उनको पता है डिजिटल कैसे यूज़ करते हैं, तो सब कुछ वही मेरा हैंडल करता है, इंस्टा एवरीथिंग वही करता है। मेरा इंस्टा मेरे मोबाइल में और मेरे भांजे के मोबाइल में ही है और किसी के पास नहीं है, और मेरा तो कोई पीआर भी नहीं है, मैं आपको बताना चाहूं, तो मेरा कोई पीआर तक नहीं है। सो आप मुझे बताएं, राखी सावंत के पासवर्ड आईडी मेरे पास कैसे आएंगे, कैसे उन्होंने मुझे कैसे दिए थे? आप उनको पूछिए, मुझे व्हाट्सअप किए थे, मुझे वॉइस मैसेजेस किए थे, या मुझे राइटिंग में लिख के दिए थे, कुछ प्रूफ होगा ना। ये सारे पासवर्ड जो होते हैं, ऐसा तो नहीं है कि हमने ओवरली बोल दिया और याद रह गए, वो बहुत अजीब होते हैं ना, उसमें कितने कैपिटल डालने पड़ते हैं, कितने लेटर्स डालने पड़ते हैं, कितने उस नंबर्स डालने पड़ते हैं, ऐसे कोई किसी को बताएगा और उसको याद रहेगा? क्या उन्होंने मुझे मेल किया था, क्या मुझे व्हाट्सअप किए थे, क्या प्रूफ है उनके पास कि ये सब कुछ मेरे पास है और ये सब कुछ मैं कर रही हूँ? राखी सावंत सिर्फ और सिर्फ एलिगेशंस लगा रहे हैं, एवरीडे एक न्यू एलिगेशन, हर नया दिन हर नया एलिगेशन। तो राखी सावंत कब तक? और अच्छा ये मैं बता दूं कि सोशल मीडिया पर ना कंटिन्यू एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, जब इससे पहले भी राखी के साथ में सेम चीज़ हुई थी कि उनका जब रितेश और उनका ब्रेकअप हुआ था तभी भी सेम चीज़ हुई थी, उनका जो अकाउंट है वो हैक कर लिया गया था, हालांकि 24 घंटे में उनका वो जो अकाउंट है वो रिकवर हो गया था, लेकिन सेम चीज़ हुई थी। डू यू थिंक ये जो है चीज़ें दोहराना साजिश है? हो सकता है, जो चीज़ें पहले भी की गई है वो दोबारा भी हो सकती है, हिस्ट्री तो है जो बार बार रिपीट हो रही है, हो क्या रहा है, कुछ नया थोड़ी ना आ रहा है, ये हिस्ट्री रिपीट हो रही है। देखिए कल रात को हुआ है ना, राखी सावंत ने खुद भी किया होगा, उनको ये सब कुछ बहुत अच्छे से आता है, अब शायद उनके पास कुछ था नहीं नया कुछ करने के लिए, तो उन्होंने सोचा होगा कि वो बाहर जा रहे, बहुत अच्छी जगह जा रहे, पर जाते जाते भी देखो ये कर गए वो, कि एक टॉपिक देके गए कि मेरा इंस्टा उड़ा दिया एंड ऑल, ये सब इनका खुद का ही किया कराया है। मुझे तो लगता है कि ये क्या प्रोसीजर क्या होता है, ये 24 घंटे में रिटर्न आ जाता है? नहीं, मैं पूछ रही हूँ, रिकवर होना हो जाता है ना, तो देखिए ये खुद के किए कराए हैं। जैसे कि कैसे कहूँ, अगर मेरी कोई चीज़ घूमी ही नहीं है तो मिलेगी कैसे, राइट? अगर चीज़ घूमी है तो मिलेगी, तो राखी सावंत को राखी सावंत के इंस्टाग्राम के साथ किसी ने छेड़छाड़ी की है तो आएगा ही नहीं, और ये खुद का ही उनका हाथ है तो वो यूँ मिल जाएगा आज रात तक।
अच्छा ये तो है कि मिल तो जाएगा, लेकिन इसके बाद में आपकी कोई बात आदिल या शर्लिन से हुई इस चीज़ के रिगार्डिंग? क्योंकि एक नया केस आप लोगों के नाम पर दर्ज करवाया है उन्होंने इस चीज़ के लिए, साइबर क्राइम के लिए, तो इस पर क्या कहेंगे? खैर बात तो कुछ नहीं हुई है, देखो यहाँ पे हर कोई इंडिविजुअल आरोपी है। जैसे राखी सावंत ने मुझे सताया हुआ है, राखी सावंत ने आदिल को सताया है, राखी सावंत ने शर्लिन चोपड़ा को सताया हुआ है। ये इंडिविजुअल है हर किसी का, हम लोग सब अपना अपना लड़ रहे हैं, हम कोई झुंड में नहीं है। लेकिन राखी आप तीनों को लिंक कर रही हैं? राखी आप तीनों को क्या, अब 10-15 लोगों को और लिंक करेगी? अब तो उनके पास बहुत टाइम है, अभी तो बाहर गए ना 3 दिन के लिए, प्लानिंग करने के लिए, प्लॉटिंग करने के लिए बहुत टाइम है। बुक और पेन लेके गई हो राखी सावंत, लिख के लेके आओगी? वैसे आपको ज़रूरत नहीं, आपका दिमाग बहुत तेज़ है। डर कर भागी हैं राखी ऐसा लगता है? नहीं, इबादत करने गई है। मैं कभी राखी सावंत की तरह लैंग्वेज यूज़ नहीं करूँगी, किसी को गलत साबित नहीं करूँगी, इबादत के लिए गई है, अच्छी बात है, इबादत करो। ऑलराइट राखी, लास्टली आप इसके आगे क्या करने वाली हैं, क्योंकि आप पर एक इल्ज़ाम लगाया गया है कि आप यू नो उनके सोशल मीडिया गायब करने में आपका हाथ है, तो इससे आगे आपके एक्शन? ज़रूर मैं एक्शन लूँगी। पिछले 2 दिन से मैं चुपचाप बैठी थी ये सोच के कि चलो देखती हूँ अभी क्या होता है। राखी सावंत ने इतने गंदे मुझ पर एलिगेशंस किए हैं, और उसके बावजूद उन्होंने परसों प्रेस मीटिंग में बहुत सारी बातें बोली है मेरे खिलाफ, एंड कल रात को ये सब कुछ हुआ है। देखिए इस तरीके से रोज़ रोज़ एवरी डे, जैसे कि मैंने कहा हर नया दिन, तो नारा है नया दिन नई सोच, तो यहाँ पर उल्टा है, नया दिन नए एलिगेशंस। तो मुझे अपनी लड़ाई लड़नी है। आज मैं भी शाम को अराउंड 6-7 o'clock अपने लिए आवाज़ लगाऊंगी, मैं आप सबको बुलाऊंगी, अपने लिए आवाज़ लगाऊंगी। इसका मतलब हम क्या सोचें, एक नया केस दर्ज होने को है? शाम को 7 बजे खुलासा करते हैं। थैंक यू सो मच राक्षी, थैंक यू हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।